अभी फ्रेंड्स हम आ चुके हैं पीसी की स्क्रीन के ऊपर। आपको दोनों लिंक जो है टेस्ट करवाते हैं, एक तरफ UBNT का लिंक बना हुआ है और दूसरा जो है ममूसा C5C का बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर ममूसा C5C के जो सिग्नल हैं वो 53 हैं, लिंक है जी 780 का और 650 का। तो अभी जो डिस्टेंस है वो 5.7 किलोमीटर का है ममूसा C5C। इसके ऊपर अभी हम स्पीड जो है वो टेस्ट करवाते हैं और सेटिंग जो वो भी आगे जाकर आपको बताएंगे कि सेटिंग कौन सी रखी हुई है। सबसे पहले तो ओखला स्पीड टेस्ट पे आते हैं और स्पीड जो है वो चेक करते हैं जी, कि देखते हैं कि कितना लिंक जो है वो ट्रैवल होता है इसमें से। तो अभी सबसे पहले तो ओखला पे आके स्पीड जो है वो चेक करवाते हैं। ये है जी हमारा AP साइड, मैंने इसको 25/5 जो रखा है। अपलोडिंग मुझे कम चाहिए और डाउनलोडिंग ज़्यादा चाहिए, तो ये मैंने सेटिंग रखी है। अभी जो पिंग आए हैं जी वो 12 आए हैं और जो अभी हमारे पास स्पीड आ रही है वो 340, ये डाउनलोडिंग आ रही है और अपलोडिंग है वो भी आपको चेक करवाते हैं जी। तो ये है जी इसकी डाउनलोडिंग रेट और ये अपलोडिंग जो निकाल रही है। 100 मैंने रखी है जी अपलोडिंग, और इसके अलावा जो डाउनलोडिंग है वो उससे ज़्यादा रखी है ताकि डाउनलोडिंग है वो ज़्यादा निकले। अभी दोबारा जो है वो स्पीड टेस्ट करते हैं जी। ममूसा C5C का जो लिंक है वो अभी आपको टेस्ट करवा रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी देर से रब्ता करते थे कि भाई ममूसा C5C का रिज़ल्ट कैसा है, तो अभी यूज़ किए हैं तो उसका रिज़ल्ट जब आपको बता रहे हैं जी। तो ये डाउनलोडिंग रेट आ रहा है जी इसका, तो अभी इसके बाद है जी इसका अपलोडिंग। ये है जी इसका रिज़ल्ट। इसकी मैंने सेटिंग जो रखी थी मैंने आपको बताया भी है कि मैंने इसको जो है इसका एक साइड जो मैंने 25 पे रखी है और दूसरी 750 पे रखी है। अगर 50-50 के ऊपर टेस्ट करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ जी, 50-50 के ऊपर इसको टेस्ट करके फिर जब आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग चेक करवाते हैं कि फिर कितना डाटा निकलता है। तो अभी आ चुके हैं जी 50-50 के ऊपर, तो अब जो है वो चेक करते हैं स्पीड। अभी जो है ये जा रही है तकरीबन 236-235, इस पे इसकी डाउनलोडिंग निकली है जी 50-50 पे। ये ऑप्शन जो है वो UBNT के अंदर नहीं है, ये इसी के अंदर ममूसा के अंदर ही है। और दूसरा जो है अपलोडिंग जो है ये इसी इतनी ही निकाल रही है तकरीबन जो है वो 740 के ऊपर। अभी इसको दोबारा जो है मैं करता हूँ 255 के ऊपर। तो अब जो है वो दोबारा इसके ऊपर स्पीड टेस्ट करते हैं। मुझे जितनी की इसकी सेटिंग आती थी उतनी के ऊपर मैंने इसको रख के जो टेस्ट किया है, तो मेरे पास ये इसका रिज़ल्ट निकला है। तो अभी जो वो इसकी डाउनलोडिंग जो आ रही है वो 30, 30, 45, 357, 380, 380 तक जो डाउनलोडिंग आई है। और ये है जी इसकी अपलोडिंग। अपलोडिंग वैसे भी कम ही यूज़ होती है, तो काफ़ी है इतनी भी। अभी दोबारा जो है वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी बताता है ये फेक है, बस इसमें से जो डाटा इसका पास हो रहा है ये इसमें से पास हो रहा है इसका। तो अभी यहाँ पर मैंने चैनल वाला पेज ओपन किया है, यहाँ पर ये सेटिंग रखी है इसकी, मज़ीद इसके अंदर कोई और तो सेटिंग है नहीं। तो इसके बाद दोबारा जो है वो आते हैं डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर ये इसका परफॉर्मेंस ही जो मैंने आपको चेक करवाई है। अभी फिर हम आपको रॉकेट AC लाइट का जो परफॉर्मेंस है वो चेक करवाते हैं। तो रॉकेट AC लाइट के साथ 30 dBi एयर फाइबर डिश लगी है और ममूसा के साथ भी यही डिश लगी थी 30 dBi एयर फाइबर। और अभी यहाँ पर रॉकेट AC लाइट की परफॉर्मेंस आपको चेक करवाते हैं। जो लिंक बना है वो 450/480/330/347 अप डाउन हो रहा है, और अभी इसके ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं चल रही, फ्री है। 6.3 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी और डिस्टेंस दोनों का सेम ही है। अभी यहाँ पर जो सिग्नल है जो 53 हैं, 56 हैं, तो 8x के ऊपर इसका डाटा है जी दोनों साइड का, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी हम स्पीड टेस्ट मारते हैं जी कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो अभी ओखला पे आते हैं और दोबारा स्पीड टेस्ट करते हैं जी। तो डॉटसिस नेटवर्क सर्विसेज है,
अभी जो पिंग देखने को मिले हैं हमें वो 3 हैं जी। और अभी सबसे पहले तो डाउनलोडिंग जो है वो चेक कर रहे हैं जी, 240 डाउनलोडिंग आई है। यहाँ पर इसका ग्राफ जो है वो भी चेक करवाते चलें, 767.4 पे इसका एयर टाइम चला गया जी, और 266, 243 जो है वो इसकी डाउनलोडिंग निकली है, 250। और अपलोडिंग यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर जो अपलोडिंग है वो अच्छी निकल रही है, 250, 253, 250 ये इसकी अपलोडिंग आ रही है। 3 पिंग आए हैं जी 3, और यहाँ पर जो रिज़ल्ट है आपके सामने है, 250/245 अपलोडिंग, ये रिज़ल्ट आया जी इसका रॉकेट एसी लाइट का। और अभी इसके ऊपर दोबारा जो फिर स्पीड टेस्ट करते हैं, UBNT और ममूसा का जो आपस में मैं इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको चेक करवा रहा हूँ जी। अभी दोबारा स्पीड टेस्ट की है इसके ऊपर, तो 257 डाउनलोडिंग आई है और 200 के राउंड बोर्ड जो है वो अभी अपलोडिंग नीचे आ रही है इसकी, अभी फिर ऊपर गई है। ग्राफ जो है वो भी चेक करवाते चलें, ग्राफ के अंदर जाओ यहाँ पर आप देख सकते हैं, 238, 200, 247 ये अपलोडिंग अभी इसमें बताई है। अभी दोबारा जाओ स्पीड टेस्ट करते हैं, ये है जी 6 किलोमीटर डिस्टेंस रॉकेट एसी लाइट के साथ टेस्ट कर रहे हैं इसका। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दोबारा भी स्पीड टेस्ट की है, तो 260 तक जब वो डाउनलोडिंग है, ये 265, 267, 70, 73, 270, 270 तक डाउनलोडिंग आई है, और 180, 180 अपलोडिंग, 200 यहाँ पर जो ग्राफ है वो भी शो हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी जो परफॉर्मेंस है इसकी दोनों डिवाइसेस की, मूसा की और रॉकेट एसी लाइट की, वो मैंने आपको चेक करवा दी है। सेटिंग जो है वो तकरीबन जो है वो नॉर्मल ही है सबकी, जितनी जो बाकी डिवाइसेस की होती हैं तकरीबन सेम सेम इनकी सेटिंग रखी हुई है, कोई इसमें खास जो है वो फ़र्क नहीं है। तो अभी जो है वो इसका दोनों का रिज़ल्ट मैंने जो चेक करवाया वो आपको सामने है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।